सत श्री अकाल एवरीवन, आई होप एवरीवन इज हैविंग अ ब्लिसफुल टाइम विद द लवली एवरीवंस। गाइस, आज है डे 5 आफ्टर माय रेजिग्नेशन और आई बहुत से काम है। दिस इज वन ऑफ माय बैग, इट्स अ हैवी बैग, इट्स अ रैकसैक। और जैसे क्या ऑल ऑफ यू नो कि यहाँ रहने में दिक्कत हो रही है, इट्स अ गेस्ट हाउस, यहाँ मैं 4 दिन तक नहीं रह सकता, 5 to 6 डेज ज़्यादा से ज़्यादा खींच के, वो भी बिकॉज वन ऑफ माई सीनियर इज कंसिस्टेंटली आस्किंग भाई कब जा रहा है कब जा रहा है, आई डोंट नो वट टू से टू हिम, और क्या ही बोलूँ। तो खैर, इसका आधा सामान, जो भी इस बैग का सामान है, इसका आधा सामान मेरे को खाली करना बहुत ज़रूरी है। इसका आधा सामान खाली करके डालेंगे इसके अंदर। ये मैंने पहली जो डे फर्स्ट ऑफ आफ्टर माई रेजिग्नेशन था उसमें दिखाया था, मैं इसको पैक करा था, मैंने पैक किया नहीं था, आधा पैक किया था, आधा और भर दूंगा। रीज़न, सामान घर भेजना बहुत ज़रूरी है। इतना सामान लेके अगर मानो खुदा ना खास्ता शायद शायद से ऊपर वाले की रहमत हो जाए कि मेरे को कहीं काम मिल जाए, शायद से जितना कम सामान होगा उतना इजीली मैं कहीं ट्रैवल कर सकता हूँ। खाली करके जाना भी पड़ेगा, दो बैग होंगे, डालेंगे जी और चल देंगे, तो कहीं भी जाना होगा बहुत ईजी रहेगा मेरे लिए। और ज़्यादा समय अब शायद है भी नहीं है, कुछ ही दिन ट्राई करूँगा, अगर कुछ हुआ तो ठीक है, आई डोंट नो, लोगों का हो भी रहा है बट अपना कुछ नहीं। एक चांस मिला था, वो भी अगर मेरे को कभी बड़े पर्दे पे दिखेगा, यस बड़े पर्दे वाली चीज़ है, अगर कभी दिखेगा वो भी सेकंड्स का माइक्रो सेकंड्स का ही होगा, वो दिखा तो मैं शेयर करूँगा, अदरवाइज बोलने का क्या मतलब फिर यार, मतलब वो भी बात हो जाएगी भाई, बड़ी बड़ी बातें होगा कुछ नहीं तो इस वजह से मैं वो शेयर नहीं कर रहा। हाँ, मुझे कहीं बाहर कोई बंदा मिलता है, कोई जो मेरे वीडियोस को देखता है, या मेरा कोई भाई मेरे को मिलता है मेरे को बात कहीं, तो मैं उसको जरूर बताता हूँ, हाँ यार मेरे को यहाँ मिला था, तो ताकि वो थोड़ा मोटिवेटेड फील करे, उसको लगे नहीं कि यहाँ नहीं होता है। तो एक मिला था तो मैं उसे बताता हूँ, वो भी बहुत खुश होता है सुन के कि भाई हाँ आपका हुआ, अच्छा लगा। मैं भी उसे यही बताता हूँ, जिस दिन तक ये मेरी प्रतिज्ञा है समझ लीजिए, या फिर मैंने सोचा है ऐसा, जिस दिन तक मुझे दिखेगा नहीं मैं अपने YouTube चैनल पर नहीं बताऊँगा, जिस दिन दिखेगा मैं सारा प्रोसेस बताऊँगा, कैसे हुआ था, क्या हुआ था, कैसे स्टार्स चमक गए थे एकदम से ही, मैं आप सबके साथ शेयर जरूर करूंगा। पर अगर नहीं दिखा तो प्लीज़ नहीं बताऊंगा। अगर हाँ आप में से कोई देख रहा है जिसने बाहर मुझसे मिला था, मैंने बताया था हाँ भाई मेरा यहाँ हुआ था, तो कमेंट सेक्शन में मत बोलिएगा, क्योंकि मैं यही चाहता हूँ कि जिस दिन तक मुझे दिखता नहीं है ना वो चीज़ मैं बताऊंगा नहीं। और बहुत ही छोटा सा था, उससे कुछ फ़र्क भी नहीं पड़ा, तभी मैं कहूँगा छोटी छोटी चीज़ों से फ़र्क पड़ता है ज़रूर है, पर अगर कंसिस्टेंटली मिलती रहें, अगर नहीं मिली है तो फिर एक आधे से तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, वो मैंने देखा अपने, मेरे साथ ही हुआ है, मतलब उससे कोई पता ही नहीं लगा कहाँ गए। तो कुछ अच्छा मिले, कुछ बड़ा मिले जो रिकॉग्नाइज करे ऑडियंस, देन इट वर्थ, तब आपको आगे काम मिलता रहेगा, जो मेरे को लगता है अभी तक। आगे जाके जब कुछ एक्सपीरियंस होगा, पता लगेगा, कुछ देखूंगा तो शायद थॉट्स अलग होंगे, पर अभी के लिए शायद यही है, ठीक है। तो फिलहाल अभी मेरे को इसको आधा खाली करना है, इस वाले बैग में डालना है और इसे कोरियर करवाना है घर, और पोस्ट ऑफिस में कोरियर कराने के चार्जेस बहुत मिनिमल है, 300 रुपीज़ में 7-8 किलो तक का बैगेज घर चला जाता है, तो बहुत ही सही है। तो इसको आधा उसमें खाली करता हूँ और घर भेजते हैं, और शायद आज जाने की टिकट भी बुक कर लेंगे, कुछ दिन बाद की करेंगे, बट करनी पड़ेगी अब, जब कुछ दिख ही नहीं रहा होता हुआ तो फिर मतलब ही नहीं कुछ कहने का, जाए वहाँ पर जाके कुछ अपना करें, छोटे लेवल पे शुरू करना पड़ेगा, बहुत छोटा शुरू होगा बट ज़िंदगी को आगे तो बढ़ाना है ना, कुछ तो ग्रोथ होती रहे ज़िंदगी में, कुछ तो एक पड़ाव पे खड़े रह के मुझे बहुत अटपटा सा फील होता है, आई फील लाइक ज़िंदगी की को मतलब मायने ख़त्म हो जाते हैं फिर। Please tell me that I can't, that I won't, that I fail, that I'll never make it out, yeah. Please tell me all the bad, never good, fill my head full. दो बैग हैं, इसी बैग में सारा सामान आ जाएगा, ये बैग में तो कुछ खास है नहीं, यही बैग का सामान इधर ट्रांसफर हो जाएगा, इसमें सिर्फ अभी लैपटॉप पड़ा है, ये बैग ख़राब हो चुका है तो इसको यहीं पे फेंक के जाना पड़ेगा। तो पैकिंग तो मेरी हो चुकी है ऑलमोस्ट, बट सबसे बड़ा फैसला कि क्या फ्लाइट की टिकट बुक करूँ, आई डोंट नो। ये काम करते हैं, ऐसा फैसला लेना भी ईजी नहीं है, क्योंकि यार रहना भी अब वर्थ लग भी नहीं रहा, क्योंकि कुछ हो नहीं रहा है, और गेस्ट हाउस में तो रहना भी मुश्किल है, रहने के लिए हर कोई पूछ रहा है कब जा रहे हो क्या मालूम। एक काम करते हैं, ये फैसला लेते हैं, बीच पे चलते हैं, फिलहाल मैं विरार में रह रहा हूँ, तो अरनाला बीच पास में है, अभी 3:30 हुए, 1 घंटा थोड़ा एडिटिंग का काम है वो करते हैं, उसके बाद बीच चलते हैं, बीच पे एकांत में बैठेंगे और इसका फैसला लेते हैं कि टिकट बुक की जाए कि ना की जाए,
Please say any negative thoughts. I pop off when I hear people say I cannot. I get off to the thought of proving everyone wrong. I won't stop to the top, so you better back off or get lost. समुद्र के लहरों की खामोशी है और मेरे अंदर का शोर. थोड़ा सा अश्मंजस में हूँ, क्या करूँ क्या ना करूँ. रास्ते में आते आते भी सोच रहा था, तो मैंने ये सोचा कि ये करते हैं कि एक होता है लॉक करना. अगर आपको फ़्लाइट लेनी है ना, तो 200 रुपये 400 रुपये ऐसा समथिंग का प्राइस लगता है. आप लॉक कर सकते हैं प्राइस को आज ही और कल टिकट बुक कर सकते हैं, मतलब एक दिन का गैप मिलता है. तो वो सोच रहा हूँ 200-400 रुपये वेस्ट होंगे, वो कर देता हूँ और देखता हूँ कि फिर कल पे बात चली जाएगी. कल बुक करने का सोचता हूँ फिर. पर उसमें एक ये बात है कि कल मेरे को जाना है एक ऐसी जगह पे जहाँ पे जूनियर आर्टिस्ट और ये सब सिलेक्ट करते हैं, मतलब हिट एंड ट्रायल वाली चीज़ है कल. तो वहाँ जाऊँगा, वहाँ जाके देखता हूँ कि सही है या नहीं है. अगर लगा सही है, मौका मिला. पर उसमें एक प्रॉब्लम है, आप जब तब कल जाके उनको रजिस्टर करते हो तो उसके बाद 24 घंटे लेते हैं. 24 घंटे के बाद आपको कॉल आती है फिर जूनियर आर्टिस्ट के लिए. पता नहीं क्या करूँ फिलहाल, थोड़ा अश्मंजस में यूँ, करूँ ना करूँ. I'ma stay loud, stay proud, never running out, never heading south. I'll be spreading out, call it word of mouth, can't put me down. I'll be getting loud, you can have it doubts, not what I'm about. Have your fucking clout, it be raining now, I keep making sound. Go another round, bitch I'm legend bound, can't stop me now. A slow burn like a disease, just tell me that I can. कल जैसा रिस्पॉन्स मिलेगा कल को देख के टिकट बुक कर लेता हूँ. Now there is no other option left. ये वाला एक best possible way लगा मेरे को. मैंने सोचा काफ़ी देर तक, कुछ प्रैक्टिकलिटीज़ देखी. बाकी ये भी प्रॉब्लम है कि everyone is saying now अब कि भाई वहाँ कर क्या रहा है. अगर ठीक है कोई चांस मिलता है वेल एंड गुड, बट अगर नहीं मिल रहा है तो भटकने का कोई फ़ायदा नहीं है. यू आर एट दैट एज ऑफ योर लाइफ जहाँ तुम्हें सेटलमेंट का सोचना चाहिए. एंड मैं भी वही सोचता हूँ, जाना तो है ही है, बट मैं चाह रहा था शायद एक आखिरी मौका है कुछ बन जाता. बट चश्मा लगाने का फ़ायदा पता है क्या है ज़िंदगी में एक चश्मा लगा रखा है सबने, लगा भी लेना चाहिए मैं मानता हूँ. एक ज़िंदगी से फ़िल्टर सा बन जाता है. अगर आपकी आंखें नम है या कुछ अच्छा महसूस नहीं कर रहे हो, ये आपके इमोशंस को पता नहीं लगाने देगा. वेल आई एम नॉट सैड, आई एम हैप्पी. जो हो रहा है अच्छा ही है. बाकी ऊपर वाले ने कुछ सोच के ये सब कर रहा होगा, नहीं चांस दे रहा तो कोई रीज़न ही होगा, कुछ ना कुछ अच्छा सोचा होगा, या फिर मैं अभी प्रिपेयर नहीं हूँ. काफ़ी बड़े बड़े एक्टर्स यहाँ पे आए थे और आने के बाद वापस गए हैं और फिर वापस चांस मिला और दोबारा आए हैं. राजकुमार राव का मैंने नाम सुना था कि वो आए थे यहाँ पे, उनको मौका नहीं मिला या उनको लगा उनको ट्रेनिंग की और ज़रूरत है, वो वापस गए, ट्रेंड हुए, फिर वापस आए. अब ही इज़ द स्टार इन बॉलीवुड. और अपार शक्ति खुराना, उनको तो उनके ब्रदर ने बोला पहले जाइए अच्छे से ट्रेनिंग लेके आइए, आयुष्मान खुराना ने, जो मैंने इंटरव्यूज़ देखे उससे मैं बता रहा हूँ. और वो गए वापस और वापस आए और नाउ इज़ अ बिग स्टार. तो ऐसे काफ़ी सारे लोग हैं जो वापस गए हैं. तो जाने का, अगर मैं घर वापस जाऊंगा, वापस जाने का ये मतलब नहीं मैं हार गया. उसका बस ये मतलब होगा कि शायद अभी मैं तैयार नहीं था. और जब तैयार होंगे तो वापस पारी खेल लेंगे. तब तक के लिए लाइफ को सेटल करना बहुत ज़रूरी है. बोमन ईरानी को भी अगर मैं देखूँ तो 40 की उम्र में उनका करियर शुरू हुआ एक्टिंग का. उससे पहले ही डन अ लॉट ऑफ स्ट्रगल. अगर वो भी अपनी लाइफ को डॉक्यूमेंट करते तो शायद हम देख पाते कि कैसे कैसे वो गुजरे. मैं डॉक्यूमेंट कर रहा हूँ, हो सकता है मैं बनूँ ना बनूँ, इट्स ऑल इन माय डेस्टिनी. बट आई स्टिल कीप डॉक्यूमेंटिंग माय लाइफ. चाहे मैं ज़िंदगी में कुछ भी करूँ, चाहे छोटा मोटा काम भी करूँ, आई विल स्टिल कीप माय डॉक्यूमेंटिंग माय लाइफ. क्योंकि मेरे बारे में कोई अच्छी बात लिखने वाला कोई और आदमी है नहीं. नोबडी बॉदर्ड अबाउट मी. किसी को कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि भाई अभिनव नाम का कोई लड़का घूम रहा है, हम क्या करें. तो अगर किसी को फ़र्क नहीं पड़ता, मुझे तो अपने बारे में फ़र्क पड़ना चाहिए. तो मैंने अपना कैमरा उठाया और अपनी ज़िंदगी को डॉक्यूमेंट करना शुरू कर दिया. बड़े बड़े लोग, बड़े बड़े इतिहासकार अपने बारे में लिख गए हैं और उनको लोगों ने पढ़ा है. अगर हम वो बड़े आदमी नहीं हैं, हमारे बारे में कोई नहीं लिखना चाहता, तो लेट इट बी, हम खुद लिखेंगे अपनी कहानी. और तभी मैं अपने व्लॉग्स, अपनी लाइफ को डॉक्यूमेंट करता हूँ. चाहे किसी भी फील्ड में मैं अगर सक्सेस पाता हूँ तो ये चीज़ें मेरे को याद रहेंगी कि व्हाट आई वेंट थ्रू और कैसे कैसे हालात मुश्किल रहे, स्टिल मैनेज किया. और आज अगर मैं पहुंचा हूं तो मुझे घमंड नहीं करना है, मुझे डाउन टू अर्थ रहना है. बाकी खूबसूरती देखो कितनी अच्छी है.
Just tell me that.